focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech. लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे वो किडनी में बुरा असर छोड़ता है, फिर और एक समय यह आता है कि वो अपनी किडनी को डैमेज कर देता है और उस समय फिर आप चाहे जो भी चीज़ कर लो उसका कोई फायदा नहीं है। सो अगर टाइम पे उसका इलाज हो जाए तो सबसे अच्छी बात है। और पहले समय में क्या था कि ओपन सर्जरी होती थी जिसमें हम चीरा मार के ऑपरेशन करते थे, स्टोन निकालते थे, जिससे पेशेंट 4-5 या कभी कभी हफ्ता 10 दिन भी हॉस्पिटल एडमिट रहता था, टांके लगते थे, पेशेंट को काफ़ी दिक्कत होती थी। लेकिन आज के दौर में आप ओपन सर्जरी तो ऑलमोस्ट ना के बराबर ही हो गई, हम सारा अपनी सर्जरी एंडोस्कोपी लेजर और दूरबीन द्वारा ही करते हैं। और ये जान के आपको बहुत खुशी हुई कि हमारे मैक्स हॉस्पिटल में उन सब चीज़ों के लिए व्यवस्था उपलब्ध है। हम लोग यहाँ पे लेज़र, एंडोस्कोपी, ECNL, URSL का सारा सामान है जिससे हम सारे ऑपरेशन यहाँ कर सकते हैं। और हार्डली जितने मैंने एक डेढ़ महीना यहाँ काम किया है, हार्डली एक या दो दिन का स्टे रहता है हॉस्पिटल, मैक्सिमम दो दिन का स्टे या यूजुअली एक दिन का स्टे। सो पेशेंट इज़ ऑल्सो हैप्पी, उसका स्टोन निकल जाता है, इज हैप्पी। और उसकी मॉर्बिडिटी यानी कि उसका जो टाइम लॉस होता है, जो उसके बिजनेस का लॉस होता है, सर्विस का लॉस होता है, वो सबसे कम रहता है। हार्डली सम 4 or 5 days और मैक्सिमम अभी। सो आफ्टर 1 week इज़ बैक टू हिज जॉब। तो उस हिसाब से कि दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग जो हम यहाँ कर पा रहे हैं पेशेंट्स के लिए, और यहाँ का हमारा रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। उसमें जो हमारे एल्डरली लोग हैं, जो हैं पेशेंट्स, जो हमारे अबाउट 50 है, वो 55 है, तो उन लोगों में यूरिन की समस्या काफ़ी कॉमन है। और इसमें जांच करके लगता है कि यूजुअली लोगों के प्रोस्टेट यानी कि बुद्धू बड़े होते हैं साइज़ में, और बुद्धू साइज से बड़े होने के साथ साथ देखिए पहले तो इसमें भी ओपन सर्जरी होती थी, ओपन प्रोस्टेटिव भी होती थी, लेकिन अब वो दौर भी ख़त्म हो गया। अब हमारे पास तो TRP होता है, और TRP के बाद में लेटेस्ट है लेज़र की सुविधा, जो लेज़र से हम कर सकते हैं, वो सुविधा भी उपलब्ध है। हम लेज़र से पेशेंट से कर सकते हैं, TRP कर सकते हैं, एंड हार्डली सम 3-4 days का होता है, उसमें मॉड वोस्ट का कैथेटर निकल जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हम ये समझते हैं कि मैक्स ग्रेटर नोएडा के लोगों को एक अच्छी एडवांटेज दे रहा है, एक अच्छी सुविधा दे रहा है, जिसमें यूरोलॉजी का 90% काम कवर हो रहा है। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, जैसे अरुण सर ने भी बताया कि दिस इज़ नॉट अ सिंगल हॉस्पिटल, मैक्स ये नहीं है कि मैक्स ग्रेटर नोएडा एक हॉस्पिटल, मैक्स इज़ अ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स जिसमें हमको हमारे सारे मैक्स हॉस्पिटल्स का सपोर्ट है, राइट फ्रॉम साफी टू पटपरगंज टू कहीं भी। कहने के मतलब है कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स केस आता है जिसमें एक मैं अकेला सर्जरी हूँ, आई डोंट नॉट ऑपरेट, मैं अकेला ऑपरेट नहीं करना चाहता उसको ड्यू टू वेरियस रीजन, तो हमारे पास एक फुल सपोर्ट ऑफ डॉक्टर्स नहीं, एक फुल टीम ऑफ हॉस्पिटल्स है जिसमें हम यहाँ ग्रेटर नोएडा से लेकर जो अमेरिका में इलाज हो रहा है वहाँ तक की सुविधा अवेलेबल है। तो हम उन पेशेंट्स को वहाँ ले जाके वहाँ ट्रीट करके वहाँ ऑपरेट कर सकते हैं। और ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि मैक्स हॉस्पिटल एक और दिल्ली के उन चंद हॉस्पिटल्स में हैं जिनके पास रोबोट की फैसिलिटी अवेलेबल है, साकेत और रोबोट की सर्जरीज वहाँ पर हो रही है। सो ऐसा है कि अगर हमारे पास यहाँ कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसको उतने हाई लेवल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, हम उसको यहाँ से वहाँ ले जाके ऑपरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ यूरोलॉजी के में एक चीज़ है कि हमारे पास बेसिकली एल्डरली लोग ही ज़्यादा आते हैं इलाज कराने, और एल्डरली लोग में वो क्या होता है कि कोई ना कोई समस्या रहती है, डायबिटीज़ रहती है, हाइपरटेंशन रहती है, या कोई कार्डियक प्रॉब्लम रहती है। हमारे पास यहाँ ये एडवांटेज है कि वी हैव फुल वर्किंग टीम है, वी हैव गुड फिजिशियंस, गुड कार्डियोलॉजिस्ट, तो वी हैव फुल सपोर्ट। अगर और भी कोई प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, सो आई गेट अ गुड सपोर्ट फ्रॉम यू। ओवरऑल फायदा ये है कि पेशेंट को एक ही जगह पे, एक ही हॉस्पिटल में, एक ही सेंटर में सारी फैसिलिटीज हैं। सो पेशेंट को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, पेशेंट को कहीं और तक कुछ नहीं है, इट इज़ अवेलेबल एट वन प्लेस। एंड उसके साथ कुछ डाटा है क्या? हाँ जी, कुछ डाटा इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल का बता रहा हूँ, पटना हॉस्पिटल का, मैक्स हॉस्पिटल का। देखिए हमारे पास डेली जो हमारा OPD होता है यहाँ पे, जो हमारा यूरोलॉजी का OPD होता है, इट इज़ डेली OPD फ्रॉम 10 to 2। तो डेली OPD में मानो अगर देर आर अराउंड 20 to 25 पेशेंट्स,
तो 20-25 पेशेंट्स में 15-16 पेशेंट्स स्टोन वाले होते हैं यूजुअली रफली बता रहा हूँ। तो जो ये 15-16 पेशेंट स्टोन वाले हैं इसमें मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके स्टोन बड़े हैं, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है यहाँ। मान लो अगर 16 पेशेंट आते हैं तो 16 में से 9 10 या 11 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके बड़े स्टोन होते हैं, किडनी में स्टोन है या 1 सेंटीमीटर का स्टोन है, उन पेशेंट्स में तो रिकमेंडेड ही नहीं है कि हम दवाई से कोई ट्रीट करें। हाँ, बाकी जो बची बची पेशेंट है, जैसे अभी यहाँ आने से पहले एक पेशेंट ओपीडी में बैठा था, ही हैज जस्ट 5 mm स्टोन इन किडनी, उसको मैंने ट्रीटमेंट दिया। तो अगर आप डाटा की बात करें तो ओवरऑल अगर आप देखें महीने में अराउंड कुछ नहीं तो कुछ नहीं 100-120 पेशेंट रहते हैं, सब परसेंटेज अराउंड 30-35% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके सिर्फ हम मेडिकल मैनेजमेंट ही करते हैं। सर किन लोग इस समय जो प्रॉब्लम है वो शिफ्ट हो गई है स्टोन की प्रॉब्लम फ्रॉम द ओल्डर एज टू द यंगर एज, उसका कारण बहुत सारे कारण है। उसके सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि आज के जो यंगर एज ग्रुप है या कॉलेज गोइंग है या ऑफिस गोइंग लोग हैं, वो लोग अब ज़्यादा प्रेफर करते हैं बाहर का खाना खाना, विच इंक्लूड जंक फूड। वो जंक फूड में क्या होता है, नमक की क्वान्टिटी ज़्यादा होती है, बाकी केमिकल्स की क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा होती है। उससे ये रिसर्च में देखा गया है कि जो साल्ट इनटेक है, नमक है, कॉमन साल्ट, वो ज़्यादा इनटेक लेने से स्टोन्स की संख्या, स्टोन्स की परसेंटेज सोसाइटी में बहुत बढ़ती है। और ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि आजकल ओपीडी में ओबेसिटी तो यंग एज में आ गई है, मतलब प्यूबर्टी एज में, तो 14 से लेकर 20 साल के में मोटापा ज़्यादा आ रहा है और मोटापे के साथ साथ उन बच्चों में पत्थर के इंसिडेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सो दिस इज द जो सोसाइटी में जो शिफ्ट हुआ है ना, ये शिफ्ट हुआ है कि जो पहले मिडिल एज से अभी यंग एज में स्टोन जाने लगे। सर ये वाटर रिपोर्ट इन्होंने यहाँ पे जो अराउंड 25 सेंटर्स ग्रेटर नोएडा से ही वाटर कलेक्ट किया था, मतलब कहाँ से उसका हमें हवाला देना होगा ना कि वहाँ का ये आपका हुआ है उसी नोएडा में, इन्होंने मेरे पेपर में मेंशन किया नोएडा में कोई वाटर टेस्टिंग कंपनी है गवर्नमेंट की, नोएडा में किडनी से जुड़े पत्थर की मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्या कारण है कि यहाँ पे ये डिजीज इंक्रीज हो रही है? ग्रेटर नोएडा में ये देखा गया है कि स्टोन संख्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि पहली बात ये है कि यहाँ की वाटर क्वालिटी में द अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड कैल्शियम्स काफ़ी ज़्यादा है, प्लस यहाँ लोगों में एक चीज़ है कि थोड़ी बहुत इस चीज़ को लेके थोड़ी बहुत इग्नोरेंस है कि मतलब अगर पेट में दर्द होती है, कोई समस्या होती है तो चलो भाई कोई दवाई खा लो, सो उस वजह से डिले होता है और उसी डिले के कारण ये है कि स्टोन को लेट डायग्नोसिस होता है या कभी कभी डायग्नोस होता भी नहीं जब तक कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। सो हाउ टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, द सिंपल वे इज जस्ट एजुकेशन, और जैसे आप लोगों के माध्यम से सब लोगों को ये पता चले कि अगर पेट में प्रॉब्लम हो रही है, पेट में दर्द हो रही है या पेशाब करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको निग्लेक्ट मत कीजिए, उसको एक बार ही तुरंत एक डॉक्टर से जाके एक सिंपल अल्ट्रासाउंड की रिक्वायरमेंट होती है। एक सिंपल अल्ट्रासाउंड आपको कम से कम इतना तो बता देगा कि पत्थर है या नहीं है। सो एक सिंपल अल्ट्रासाउंड से योर प्रॉब्लम कैन बी डायग्नोस्ड वेरी अर्ली एंड उसका सोल्यूशन किया जा सकता है। मैक्स ग्रेटर नोएडा में इसके लिए कौन सी अल्ट्रा मॉडर्न टेक्निक्स अवेलेबल हैं? आज की डेट में मैक्स ग्रेटर नोएडा में स्टेट ऑफ द आर्ट हर एक फैसिलिटीज अवेलेबल है, दैट इंक्लूड्स PCNL, URSL, लेज़र की सुविधा उपलब्ध है। सो कहने का मतलब है कि आपके किडनी में, यूरेटर में, ब्लैडर में किसी भी प्रकार का स्टोन हो, उसको जो आपको ट्रीटमेंट स्टेट ऑफ द आर्ट दुनिया में कहीं भी है वो हमारे पास अवेलेबल है। थैंक यू सर।